कमॉन निदा, अब तो चलो जाओ ना। हाँ देखो, अब तो सब इश्यूज खत्म हो गए हैं, इतनी तुम चुप चुप क्यों बैठी हो अब? हाँ देखो, अब तो ना तबरेज है, ना परवेज है, और ना ही अंग्रेज। बोल ना मेरी जान, बोल। अब तो तुम भी आजाद हो, तुम्हारे लब भी आजाद हैं। बोल कि अब सब कुछ तेरा है। क्या बोलू मैं जी, क्या बोल? कुछ भी बोलो जिसपे हम दोनों इतना हंसे, हाथे मार मार के एब्सोल्युटली लोल हो जाए। मेरे पास अब ऐसा कुछ नहीं है जिमी। क्यों हो गया है? हाँ क्या तबरेज को चुप कराने के बाद कज़की ने तुम्हारे भी सेल निकाल दिए हैं? मेरा मतलब है कि क्या उसने कुछ कहा है तुम्हें? यही तो इश्यू है जिमी, कि उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चुप रह गया। ना उसने मुझे डांटा, ना कुछ कहा, बस चुप था वो। तो ये तो बहुत अच्छा है ना, अब इंसान हर वक्त क्या कुत्तों की तरह लड़ता तो नहीं रहता ना। जिमी क्या मसला है तुम्हारे साथ, क्या इश्यू है? मैं यहाँ परेशान हूँ, तुम अजीब बातें कर रहे हो। For God's sakes. मैं अजीब बात कर रहा हूँ? अजीब बात तुम कर रही हो, आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? हाँ जब सब कुछ खराब हो तो भी परेशान, और जब सब कुछ ठीक हो फिर भी परेशान। अरे निदा, अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है, अब तो हम सब मिलके घूमेंगे, ऐश करेंगे, और क्या? तुम चुप नहीं रह सकते निदा? अभी तो तुम जकी के चुप होने पर नाराज हो रही थी कि वो कुछ बोल नहीं रहा। हाँ अब तुम मुझ पे नाराज हो रही हो कि मैं बहुत बोल रहा हूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा जिमी, सकी की खामोशी, मेरी खामोशी, ना कोई खुशी ना कोई एक्साइटमेंट, ना जीतने की खुशी ना हारने की खुशी। अच्छा क्या हुआ मुझे बताओ, टेल मी, बताओ तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है? बहुत कुछ चल रहा है जिमी,